हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एविजन इंस्टीट्यूट। दिस इज पवन वर्मा एंड आई एम हियर टुडे विद 5 मोर क्वेश्चंस। मैंने ये सवाल आपको ऑलरेडी दे रखा है, किसी किसी ने शायद सॉल्व किया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस 5 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को, कैसे कैसे किया जा सकता है, राइट। कल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस इजी है। कल जो क्वेश्चंस डाला था तो उसमें आया था कि सर क्वेश्चंस थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, बट वैसे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हुए सवाल थे वैसे, ठीक है। तो आपको इस लेवल की मतलब प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। आप सोचेंगे कि बेसिक 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 करके हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा लेवल, क्वेश्चंस के लेवल समझने होंगे, मतलब आएगा वैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस आने पे आपने क्या करना होगा कि सॉल्व कर देना होगा, तो उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आज 4th डे है, 4 दिन, चौथा दिन, और परसेंटेज के ऊपर डिस्कशन। हम ऐसे सारे चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो फिलहाल परसेंटेज पर डिस्कशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। हर एक चैप्टर पे ऐसा डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारे स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन को पढ़ूंगा और फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाऊंगा क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इसको समझिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ टी सेलर यूज टू मेक 50% ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग टी एट ₹9 पर कप, 9 रुपए में सेल कर देता है, राइट। अ टी सेलर यूज्ड टू मेक 50% ऑफ प्रॉफिट बाय सेलिंग अ टी एट ₹9 पर कप। When the cost of ingredients increased by 25%, cost of ingredients कहने का मतलब चाय पत्ती की, जो दूध है दूध की, या फिर गैस सिलेंडर की। तो cost of ingredient increased by 25%, he started selling tea at ₹10 per cup। जब ingredient जो हम यूज करते थे, चाय पत्ती, चीनी वगैरह वगैरह, उसकी प्राइस जब बढ़ गई 25% से टोटल, तो हमने चाय ₹10 पर कप बेचना शुरू कर दिया। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंटेज नाउ, अभी उसकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है? तो ठीक है, तो मैं कहता हूं कि पहले हम कितना प्रॉफिट कर रहे थे, पहले हम प्रॉफिट कर रहे थे 50%, और कितने में बेच रहे थे, तो ₹9 में बेच रहे थे, राइट, ₹9 में। तो मैं कहता हूं कि ₹9 में बेच रहे थे, कहने का मतलब है कि सेलिंग प्राइस ₹9 था, तो भाई उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो मैं कहता हूं यहां पे 50% की प्रॉफिट हो रही थी, कॉस्ट प्राइस देखिए, एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने डिस्कस नहीं किया, बट जो पढ़ा होगा उसको समझ आएगा। मैं कहता हूं कि जो भी मैं चाय बना रहा था, जो भी कॉस्टिंग मुझे आ रही थी, जो भी चीनी, चाय पत्ती, दूध वगैरह वगैरह डाल के मैं चाय जो बना रहा था, उसकी जो कॉस्टिंग आ रही थी वो 100% आ रही थी, ठीक है। अब 100% में मैं क्या कह रहा था, 50% की प्रॉफिट करके 150% में बेच रहा था, यानी कि 50% की प्रॉफिट कर रहा था, यानी कि ₹9 में जो पर कप चाय बेच रहा हूं, है ना, और वहां 50% की प्रॉफिट कर रहा हूं, मतलब ₹9 जो डिनोट कर रहा है वो 150% को डिनोट कर रहा है। तो बताइए कि 100% कितनी होगी। तो आप ₹9 को 150, मतलब 3 and 2, तो 3 यूनिट इज दिस वन, 2 यूनिट इज 6, यानी कि मैं कहता हूं चाय की कॉस्टिंग मेरे को ₹6 एक कप में आ रही थी, ₹6 का 50% होता है 3, तो ₹3 बढ़ाकर मैं बेच रहा था, यानी कि ₹9 में बेच रहा था, ₹3 प्रॉफिट कर रहा था मैं हर एक चाय में, ₹6 लग रहा था, ₹3 प्रॉफिट कर रहा था, मतलब 50% प्रॉफिट कर रहा था। तो ये थी मेरी कॉस्टिंग। अब क्या कहता है, जो इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रहा था उसकी कॉस्ट 25% से बढ़ गई। जो चीजें मैं यूज यहां पे कर रहा था, चाय पत्ती, चीनी वगैरह वगैरह जो भी यूज कर रहा था, उसकी कॉस्टिंग 25% से बढ़ गई। तो इसका 25% होगा कितना, तो इसका हाफ हो गया 3, 3 का हाफ हो गया 7.5, यानी कि डेढ़, इसका कॉस्टिंग 25% से बढ़ गया। तो 25% 25% ऑफ 6 कितना हो जाएगा, तो मैं कहता हूं 1/4 मतलब ₹1.5। तो अब जो कॉस्टिंग होगी, अब जो कॉस्टिंग होगी वो होगी ₹7.5 पर कप। अब जो मैं चाय बनाऊंगा उसका कॉस्टिंग मुझे मेरे लिए हो जाएगा ₹7.5 पर कप, और बेचा कितने में, मैंने बेचा ₹10 में। तो मैं अब इस चाय को बेच रहा हूं कितने में, तो 9 से ₹10 में बेच रहा हूं अब। तो मुझे पूछा है कि व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट नाउ, तो मैं यहां पे प्रॉफिट कितना कर रहा हूं, यहां पे प्रॉफिट कर रहा हूं ₹2.5 की, 7.5 की चाय,
ढाई रुपए प्रॉफिट, तो ढाई रुपए यानी कि 2.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 7.5, तो आप देखेंगे तो 1/3 एंड 1/3 मतलब हो गया 33, 1/3% प्रॉफिट. तो नाउ ही हैज अ प्रॉफिट ऑफ 33.1/3, दैट इज ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा. सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा तरीका था, सिंपल सा तरीके से हमने सॉल्व कर दिया. राइट राइट, ये 50% प्रॉफिट कर रहा था, मतलब 9 रुपए, जब मैं 9 रुपए में बेच रहा हूं तो 50% प्रॉफिट हो रही है. तो इसका मतलब जो भी चाय में बना रहा था उसमें 100% अपना पैसा लगा रहा था, तो 100% में 50% की प्रॉफिट कर रहा, तो 150% की वैल्यू बता रहा है. 9 जो है वो 150% की वैल्यू बता रहा है, तो भाई 100% की वैल्यू हो जाएगी 6 में 3 रुपए की प्रॉफिट होगा तो 9. अब कह रहा है कि इंग्रेडिएंट जो लगा रहा था 25% से बढ़ गया यानी कि 7.5 हो गया, और उसको 10 रुपए में बेच रहा हूँ यानी कि 2.5 रुपए की प्रॉफिट कर रहा हूँ 7.5 रुपए पे, तो 7.5 रुपए पे 2.5 रुपए की प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो 1/3 हो रही है, तो 1/3 मतलब इतना परसेंट की प्रॉफिट. दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, आई होप कि आपको समझ आई होगी. देखिए कमेंट नहीं करते हैं यार आप, ये मेरे को आपसे है शिकायत कि आप वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं. गलत करते हैं ये. कमेंट कर दिया कीजिए कुछ भी. हाँ जी सर जी, आप ओपी सर जी, या फिर कुछ भी यार कमेंट कर दिया करो. तो मुझे कमेंट पढ़ना ज्यादा पसंद है. आप कमेंट कर दिया कीजिए तो मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आऊंगा. वेल, सेकंड क्वेश्चन पे आ गया मैं. देखो क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, पढ़ेंगे देखेंगे क्या कहता है. व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय 23%, a family reduced its consumption in such a way that the expenditure on it was only 5% more. By what percent has the family reduced the consumption of the commodity correct to one decimal place? ये सवाल हमने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है. इसका सॉल्यूशन अगर आपने बना लिया तो हैट्स ऑफ, आप कर रहे हैं, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है. आप अगर ये नहीं सॉल्व कर पाए हैं तो आई एम सॉरी ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड ब्रदर के सिस्टर जो भी है, कि आप अगर नहीं कर पाए तो फिर आपका ध्यान क्लास में रहता नहीं है. तो मैं इसको करता हूँ. कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज बाय 23%, मैं कहता हूँ कि 100 का था, 23% बढ़ गया तो 123 हो गया. 100 का था तो 123 हो गया. बट ऑफ अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजप्शन इन सच अ वे दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट वॉज 5% मोर. एक्सपेंडिचर जो था वो 5% ज्यादा किया. मैंने इसको बहुत बार बहुत तरीके से ऐसी तरीके से समझाया है कि मान लीजिए कि 100 रुपए की पहले रेट थी, 100 रुपए में मुझे 1 किलो सामान मिलता था, आज उसकी प्राइस 23% से बढ़ गई, 23% से बढ़ गई, तो उसकी प्राइस हो गई 123, और आज 1 किलो मुझे मिलेगा 123 रुपीज में. लेकिन वो अपना कंजप्शन कम कर देता है, रिड्यूस इट्स कंजप्शन इन सच अ वे दैट द एक्सपेंडिचर इट ऑन इट वाज ओनली 5% मोर. जो एक्सपेंडिचर में करता था, जो खर्च में करता था, उसको मैंने पहले तो प्राइस बढ़ गई 100 रुपए से 123 रुपए हो गई, लेकिन जो एक्सपेंडिचर में करता था उसमें 5% का इंक्रीमेंट किया. मतलब मैंने 105 रुपए का सामान खरीदा, मतलब मैं अब सिर्फ 105 रुपए का सामान खरीद रहा हूं. तो क्या बताओ मुझे कि 1 किलो की प्राइस 123 है, अब मैं लूंगा 105 रुपए का. एक्सपेंडिचर में मैंने 5% इंक्रीज कर दिया. एक्सपेंडिचर मेरा पहले 100 रुपए था, अब एक्सपेंडिचर को मैंने 5% इंक्रीज कर दिया. तो मुझे बताओ कि 1 किलो मिलेगा क्या मुझे? 1 किलो नहीं मिलेगा. तो 1 किलो में कितना कम मिलेगा? तो मैं कहता हूँ कि 1 किलो में सर 17 रुपए का सामान आपको कम मिलेगा. 123 माइनस 105, तो मैं कहता हूँ 1 किलो में 17 रुपए का सामान, 17 रुपए या 18 रुपए, डिफरेंस बताओ इन दोनों का. इसमें से 5 माइनस कर 18 रुपीज, नॉट 17, इट विल बी 18, राइट? 18 प्लस 5 इज 23. तो मैं कहता हूँ 18 रुपीज का सामान मुझे कम मिलेगा, तो दैट 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 123. ओरिजिनल कंजप्शन जो है मेरा 1 किलो था, तो 1 किलो की प्राइस 123 है, तो दैट 18 इज व्हाट परसेंट ऑफ 123, आपको ये बतानी है, और आपको डेसिमल पॉइंट तक बताना है. तो मैं कहता हूँ चलो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब 123 से कैंसल आउट करना शुरू करते हैं. तो 123 से वन टाइम काटेंगे तो चल जाएगा 123, बचेगा कितना? तो बचेगा 57,570 और 123 का कितना टाइम्स ले लूं मैं? तो मैं कहता हूँ 4 टाइम्स लूंगा, क्योंकि 48
और 4 डाइस लूंगा 12, 492, 40, तो मेरे पास 14, 14 दो ऑप्शन मिल रहे हैं, 14, 14 दो ऑप्शन मिल रहे हैं। अच्छा, दिस इज 48 + 12 इज 492 कटेगा, तो बचेगा कितना 78, और 78 को जीरो लगा दूं तो 123 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। 123 कितनी टाइम्स जाएगा, तो मैं कहता हूँ कि सर 6 टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा तो कितना होगा ये 720, 6 टाइम्स जाएगा तो 18, 720 प्लस 18 738, तो 14.6% उसका कंजप्शन रिड्यूस हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, फाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व, कोई डाउट हो कुछ हो कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, आपका टाइम ज्यादा लूंगा नहीं मैं, पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप टाइम ज्यादा दे नहीं पाएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 45, क्लास में 45 स्टूडेंट है, आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज, 33 1/3 मतलब हो गया 1/3, इसका 1/3, 45 का 1/3 होता है 15, तो 15 क्या है बॉयज है, ठीक है, 15 अगर बॉयज है तो 30 क्या होंगी गर्ल्स, तो कह रहा आउट ऑफ विच 33 1/3% आर बॉयज एंड द रेस्ट आर गर्ल्स, ठीक है ठीक है। फिर कहता द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल इन साइंस इज 66 2/3%, 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ बॉयज एवरेज स्कोर। अब एवरेज चैप्टर पढ़े हो गए आप, अगर नहीं पढ़े हो तो मैं बताता हूं कि एवरेज निकलता कैसे है, तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है एवरेज, ठीक है। तो कहता है कि एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज 66 2/3, 66 2/3 को कैसे लिखोगे भाई, 66 2/3% मतलब कितना, तो मैं कहता हूं 33 1/3 का डबल है ये, तो मैं कहता हूं 1/3 का डबल होगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3, तो एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ बॉयज, बॉयज से 66 2/3 ज्यादा है, यानी कि मैं कहता हूं कि मैं ये बात कह रहा हूं कि 3 का 66 2/3% होता है 2, राइट। तो मैं कहता हूं कि अगर बॉयज की एवरेज आई है 3 तो गर्ल्स का इससे 66 2/3% ज्यादा है, यानी कि 3 में 2 ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5। तो मुझे कह रहा था कि एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इन साइंस इज 66 2/3% मोर देन दैट ऑफ बॉयज, तो बॉयज का अगर 3 है तो 3 में 2 ऐड कर रहा हूं, 2 ऐड कर रहा हूं तो मतलब 66% बढ़ा रहा हूं, तो 2 ऐड करके 5 हो गया, मतलब मैं एवरेज की बात करूं तो ये लेट से 3x है, ये 5x है, एवरेज है, नंबर ऑफ बॉयज 15, नंबर ऑफ गर्ल्स 30। फिर कहता है इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल ऑफ द स्टूडेंट इज 78, सारे स्टूडेंट यानी कि 45 स्टूडेंट उनका एवरेज है 78, देन द एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स इज हाउ मच, गर्ल्स की एवरेज बताइए कितनी होगी। तो भाई एवरेज का फॉर्मूला इस तरह से होता है, ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, आपको पता होगा। तो मैं कहता हूं कि बॉयज नंबर ऑफ बॉयज का ये है, तो मैं कहता हूं कि चलो टोटल की बात अगर करी जाए तो टोटल का एवरेज बता रहा था 78, क्वेश्चन ने बताया मुझे ये, तो कह रहा है टोटल अगर 78 है एवरेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट 45 है, तो सम कितना होगा, सम कैसे निकालोगे आप, सम निकालेंगे हम एवरेज मल्टीप्लाई विथ नंबर, राइट, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम पता चलेगा, तो सम निकालते हैं तो एवरेज दैट इज 78 मल्टीप्लाई विथ नंबर दैट इज 45, तो 45 इनटू 78 दिस इज द टोटल नंबर, टोटल स्टूडेंट का टोटल सम। उसके बाद बॉयज का सम देखेंगे तो एवरेज वाज 3x एंड नंबर ऑफ बॉयज इज 15, तो मैं करूंगा 15 इंटू 3x, राइट, 15 इंटू 3x, और गर्ल्स की एवरेज कितनी थी 5x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 30, तो मैं कहता हूं 30 इंटू 5x, ये टोटल है, ये बॉयज का ये गर्ल्स का, तो बॉयज और गर्ल्स को जोड़ेंगे तो टोटल के बराबर हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे इसको,
So this is like 15, 3 times is 45, 35 times is 150, 45 plus 150, 45 plus 150 is 195 x, x की वैल्यू निकालते हैं तो 195 से इसको डिवाइड कर देता हूं डायरेक्टली, तो कहते हैं कि 13 के टेबल से काट दो, 13 के टेबल से काट दो, 13 के टेबल में दिस इज 6 टाइम्स, 13 के टेबल में 1 टाइम एंड 5 टाइम्स, 15 का टेबल में 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई 18। तो मुझे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द गर्ल्स, तो 5 इंटू x, 5 इंटू 18 दैट इज 90, ऑप्शन सी आंसर। ये शायद बहुत मतलब जो नए बिगिनर स्टूडेंट है ना वो एवरेज नहीं पढ़े हैं फिलहाल अभी, तो हम एवरेज के अकॉर्डिंग परसेंटेज के क्वेश्चंस पूछा गया था जहां पे 33 1 बाई 3 66 2 बाई 3 ये यूज हो रहा था, तो ये क्वेश्चन हमने रख दिया। ठीक है, तो बोल रहा है एवरेज ऑफ टोटल स्टूडेंट वाज 78, टोटल का सम निकाला मैंने, फिर बॉयज का सम निकाला और गर्ल्स का सम निकाला, इक्वल टू में सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई तो गर्ल्स का एवरेज पूछ रहा था, दैट इज 5 इंटू 18 दैट इज 90, दैट्स इट, दैट्स इट फॉर द थर्ड क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कमिंग टू द नेक्स्ट वन कहता है थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डिवाइड अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट अमंग देमसेल्फ, अब आपस में वो पैसे बांट रहे हैं, द एवरेज ऑफ द अमाउंट विद देम इज 4520। ए बी सी का एवरेज बता रहा है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, एवरेज बता रहा है 4520, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, तो दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे राइट, 45 थ्री टाइम्स दैट इज 135 एंड दिस इज 60, तो मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूं 13560, 13560 आ जाएगा तीनों को मिलाकर, है ना, दिस इज लाइक 6 टाइम्स, दिस इज लाइक 15 एंड 12, यस, तो 13560 टोटल है एबीसी का वैल्यू मिलाकर। आगे कहता है शेयर ऑफ ए इज 10 होल 2 बाई 3% मोर देन शेयर ऑफ बी एंड 33 1 बाई 3% लेस देन शेयर ऑफ सी, ए बी सी कह रहा है कि शेयर ऑफ ए इज दिस मच परसेंट मोर देन बी, बी के अकॉर्डिंग दिस इज प्लस 10 होल 2 बाई 3%, 10 होल 2 बाई 3% दैट इज लाइक 32 बाई 300, 32 बाई 300 और उसको कैंसिल आउट करोगे तो मैं कहता हूं कि 8 बाई 25 आएगा, 8 बाई 75, मतलब आप देखो ना ये परसेंटेज है 10 होल 2 बाई 3%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 3, 10 टाइम्स 30 प्लस 2, 32 बाई 300, अब इसको कैंसिल कर दो ना, एक साथ कैंसिल कर दो तो 4 के टेबल में दिस इज 8 टाइम्स, 4 के टेबल में 75 टाइम्स, तो मेरे को पता चल रहा है 8 बाई 75, तो 10 होल 2 बाई 3 दैट इज 8 बाई 75, तो इससे ये ज्यादा है, कितना आया 10 2 बाई 7 का 8 बाई 75, 8 बाई 75, तो कह रहे कि ये अगर ये वैल्यू अगर 75 होगी तो ये 75 से 8 ज्यादा होगी, मतलब कितनी होगी 83 होगी, ए और बी का रेशियो, ए और बी का रेशियो, ठीक है, क्योंकि 10 होल 2 बाई 3 का मतलब आया 8 बाई 75, 10 होल 2 बाई 3 का मतलब आया, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, दैट इज 8 बाई 75, इसका मतलब है 75 का 10 2 बाई 3% इज 8, तो 75 का 10 2 बाई 3% ज्यादा है ए, तो 75 में 8 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, दैट इज 83। उसके बाद कहता है एंड 33 1 बाई 3 लेस देन द शेयर ऑफ सी, ए की ही बात कर रहा है वो, शेयर ऑफ ए इज दिस मच परसेंट मोर देन बी एंड दिस मच परसेंट लेस देन सी, तो दिस मच परसेंट मतलब हो गया 33 1 बाई 3 का मतलब हो गया 1 बाई 3, इसका मतलब हो गया 1/3, यानी कि 3 से 33 1 बाई 3 दैट इज 1 कम, कम कह रहा है ना कम, तो मैं कहता हूं कि 33 1 बाई 3 लेस देन शेयर ऑफ सी, तो सी का अगर शेयर 3 है, ए बी का हो गया, अब ए सी का लिख रहे हैं हम, अब हम ए और सी का लिख रहे हैं, तो कह रहा है कि सी का अगर शेयर 3 है तो उससे एक कम है दैट इज 2, यानी कि ए इज टू सी, यहां साइड में लिखता हूं मैं दोनों बातें को लिख रहा हूं, देखो
मुझे पता है कि ए इज टू बी, ए इज टू बी हो गया 83:75, ये हो गया ए इज टू बी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई ए इज टू सी, तो हम लिख रहे हैं ए इज टू सी, ए के नीचे ए को लिखता हूं, तो ए इज टू सी हो गया 2:3, सी का हो गया 3, ए का हो गया 2, तो 2:3। तो यहां पे दोनों में कॉमन कौन है, तो दोनों में कॉमन है ए, दोनों में कॉमन है ए। आप ए बी सी का रेशियो बता दीजिए, तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे कि आप करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो दैट इज 249, यानी कि ए बी सी का रेशियो निकाल रहा हूं मैं, अब ए बी सी का रेशियो निकाल रहा हूं, तो भाई 83 3 times दैट इज 249, तो सी का वैल्यू 249, ठीक है। ओके 83 2 times, तो ये वैल्यू किसकी आएगी, ये ए की वैल्यू आएगी, ए इंटू सी किया तो सी का वैल्यू आया दैट इज 249। 83 2 times इज 166, राइट, 83 और 75 टू टाइम्स कर देंगे तो हो जाएगा बी की वैल्यू दैट इज 150। तो मुझे पूछ रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, शेयर ऑफ बी बता दीजिए, शेयर ऑफ बी बता दीजिए, टोटल वैल्यू है इतना सारा, बी की वैल्यू बता दीजिए। तो मैं कहता हूं टोटल को डिवाइड करना पड़ेगा सम ऑफ द रेशियो से, कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। तो कह रहे 250 + 150 इज लाइक 400 + 1 565 टोटल आ गया, राइट, तो 565 से इसको डिवाइड करोगे और 150 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी का शेयर निकल जाएगा, बी का शेयर निकालना है। इक्वेशन हम ऐसा लिख देते हैं कि भाई 13560 मल्टीप्लाई विथ 150 डिवाइडेड बाय 565, सम सही किया मैंने, इसका 1 इधर डाल देता हूं, 250 300 400 500 565, ठीक है, तो 565 कैंसल आउट करो इसको, इसको कैंसिल करते हैं, तो किससे काट दे, 5 से काट देते, चलो तो दिस विल बी लाइक 5 से काट देते, इसको हटाओ, इसको भी ऊपर ही लिख लेते हैं 13560 इंटू 150, बी का शेयर चाहिए 565 टोटल शेयर है, 5 से काट देता हूं मैं, तो 5 से जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये हो जाता है 3030 times 113 times, ओके 113 से डायरेक्ट काटते हैं 1 टाइम, तो 113 जा गया तो 22 रह गया, 226 हो जाएगा 2 टाइम्स एंड 0, राइट। तो मेरे को क्या पता चल रहा है, 12 × 3 = 36 एंड 00, दैट इज द शेयर ऑफ बी, ऑप्शन सी हमारा आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, आज क्वेश्चन इजी है यार, आप कर लिए होंगे, आपने कर लिया होगा, आज क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन है, आज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो इजी क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, हमारे पास ये आखिरी सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कहता है कि रंजीत स्पेंड 10% ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, he spent 20% of the remaining part of the salary on transport, after which he spends 40% of the balance of the salary on food, further he spends 80% of the balance on various bills, he deposited 5000 in the bank and kept the remaining 1480 for his own petty expenditure, find his monthly salary. Bada simple sawal hai, but कैलकुलेशन थोड़ा सा स्टेटमेंट ज्यादा दिया गया है, कोई बात नहीं है, स्टेटमेंट जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। हम कहते हैं कि रंजीत की सैलरी कितनी है, तो हम कहते हैं रंजीत की सैलरी है टोटल 100%, 100% में से क्या हुआ 10% क्या किया रेंट में दे दिया, इसमें से 10% उसने रेंट में दे दिया, 10% चला गया, 10% रेंट में दे दिया, ऐसे नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं 10% रेंट में दे दिया, ठीक है। तो मैं कहता फिर अब बचा कितना, तो इसका कितना बचा, हम कहते हैं 90% बच गया क्योंकि 10% तो चला गया। फिर कहता है कि he spent 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सैलरी ऑन ट्रांसपोर्ट, इसमें से 20%, इसमें से 20% वो खर्च करता है ट्रांसपोर्टिंग में,
तो 90 का 20% 92 टाइम्स इज 18, तो मतलब 18% जो है वो ट्रांसपोर्ट में खर्च कर देता है। तो 90 में से 18 अगर चला जाएगा तो बचेगा कितना, तो 90 में से 18 गया तो बच गया 72%, 90 में से 18 चला गया। फिर कहता है ट्रांसपोर्ट हो गया, यहां तक हो गया। फिर कहता है आफ्टर विच ही स्पेंड्स 40% ऑफ द बैलेंस ऑन फूड। इसमें से 40% ऑफ द बैलेंस, इसमें से 40% ऑफ द बैलेंस ऑन फूड। तो 72 का 40%, 72 का अगर 10% लोगे, अगर 10% लोगे तो 7.2 होता है। 7.2 का चार बार मल्टीप्लाई कर दो तो 7.4 टाइम्स इज 28.8, यानी कि 28.8% फूड पे खर्च कर देता है। ठीक है, तो 28.8 अगर खर्च करता है तो बचा कितना फिर रिमेनिंग, ये भी देखो। तो इसमें से 28.8 अगर चला गया तो 28, मैं कहता हूं 20 गया तो 52, 8 गया तो 44, और 44 में भी वो गया तो 43.2 माइनस कर दिया हमने कि इतना पैसा उसके पास बच गया। क्लियर है अभी तक? अभी तक क्लियर है? राइट राइट यस। अब क्या कहता है कि फर्दर ही स्पेंड 80% ऑफ द बैलेंस ऑन वेरियस बिल। इसमें से अब 80% और खर्च कर देता है वो, इसमें से 80% और खर्च कर देता है बिल पे करने के लिए। तो 43.2 का 80% खर्च कर देता है तो इसका 20% बचेगा। इसका कितना बचेगा? 20%। अब ये फाइंड द मंथली इनकम, तो मेरे को 100% निकालना है, तो चलो ठीक है 80% निकालना है, तो हम कहते हैं कि इसका 4.32 का 8 टाइम्स करोगे तो वो बिल का वैल्यू पता चलेगा। लेकिन मैं 20% पता करता हूं, जो बाकी रिमेनिंग है उसकी बात करता हूं। तो इसका 10% कितना होगा? 43.2, अगर ये मेरा नंबर है 43.2, ये नंबर है हमारा, तो इसका 10% हो जाएगा 4.32, ये हो जाएगा 10%। तो 20% कितना हो जाएगा? 8.64, डबल। तो 20% बच रहा है, इसमें से कितना बच रहा है तो मैं उस बात को लिख रहा हूं, इसमें से कितना सेविंग हो रही है, तो 8.64 सेविंग हो रही है, यानी कि 8.64 सेविंग करता है। और 8.64 में से क्या करता है, ही डिपॉजिटेड 5000 इन द बैंक अकाउंट एंड केप्ट 1480 फॉर हिज ऑन पेटी एक्सपेंडिचर, यानी कि इसमें से जो भी बिल का खर्च करता है, मतलब 8.64 इसमें से माइनस कर दे, पहले से 8 माइनस किया तो 35, और 64 माइनस किया तो कितना बचेगा, 20 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 34.35 बच गया 8 माइनस करने पे, तो 34.56 बच जाएगा, मतलब 34.56% बिल में दे दिया। राइट, तो बचा कितना मेरा इसमें से, तो बचा मेरा 80। क्लियर है ना, ये 8.64% बच रहा है, परसेंटेज है ये, बच रहा है। और उसमें से क्या करता है फिर, 5000 रुपया बैंक में डिपॉजिट कर दिया और 1480 जो है अपने पास रखा है, कुछ और खर्च होगा तो 8.64 की वैल्यू पता चल रही है मुझे, 8.64 की वैल्यू मुझे पता चल रही है। तो मैं कहता हूं 8.64% इज इक्वल टू 5000 प्लस दिस वन, 6480 मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है? 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करता हूँ, 6480 डिवाइडेड बाय 8.64 इंटू 100, और पॉइंट को भी रिमूव किया तो एक और दो जीरो लगा दिया, इसको कैंसिल कर दे, बस कर दे कैंसिल कर दे। तो मैं कहता हूँ कि 8 से काट दे, क्या 8 से काटते हैं, दैट इज 108, 8 से काटते हैं, दिस इज 810। ओके, 9 से कटेगी, ये 9 से कटेगी बिल्कुल, 9 1 dime and 2 dime, तो 9 से इसको काटेंगे तो 90 times, 12 है, यानी कि 4 into 3 है, 12 का मतलब क्या हो गया, 12 का मतलब हो गया 4 into 3, तो 4 into 3 से काटेंगे तो 4 के टेबल में दिस इज 25 और 3 के टेबल में दिस इज 30, तो मुझे ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है ना, ये तीन बच गए, 25 3 times is 75,
75 और 000 यानी कि मेरा टोटल सैलरी हो गया 75,000 रुपए। तो 75,000 रुपए मतलब 100% की वैल्यू आ गई 75,000 रुपीज। तो मुझे टोटल सैलरी पूछ रहा था, तो टोटल सैलरी होगी 75,000 रुपीज, राइट। देखिए इस तरीके के सवाल में थोड़ा सा कैलकुलेशन तो होगा ही, मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स में अगर कैलकुलेशन नहीं होगा तो फिर मैथ्स कैसा। हाँ, तो मैंने ये सारे चीज आपको समझाया। आपसे सवाल में कुछ भी पूछ सकता था, आपसे सवाल में ऐसा पूछ लेता कि बता दीजिए कि भाई फूड में कितना पैसा खर्च किया उसने, तो आपको 28.8% की वैल्यू निकालनी पड़ती। आपसे पूछ लेता कि बताओ भाई वेरियस बिल में कितना पैसा खर्च किया, तो आपको 34.56% की वैल्यू बतानी पड़ती, है ना। तो कुछ भी पूछ सकता था। तो हमने वैसे देखा कि 75,000 टोटल सैलरी हो गई। तो ये आज का आपका टास्क था और यही था। फिर मिलूंगा मैं, और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा मैं। आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं तो बहुत अच्छा। और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं तो वीडियो के थ्रू आप देखिए, जो वीडियो में भी समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं अगले क्लास में या अगले वीडियोज में उस चीज को फोकस करके रखूंगा कि भाई ये समझ नहीं आया था, ये मैं बताना जरूरी समझता हूँ तो ये समझाऊंगा। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और इस तरीके के टास्क मैं आपको और देता रहूंगा, करते रहिए और अपनी तैयारी को एक लेवल तक पहुंचाइए कि जो भी क्वेश्चन सामने आ जाए ना, कोई भी क्वेश्चन सामने आ जाए तो वो आप डील कर सको। तो इस तरीके की लेवल आपको बनाना ही पड़ेगी। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।